एक खुदकुशी, एक सुसाइड नोट अते एक FIR। पर इन्हां दा आपस विच मेल होण दे बावजूद कोई मेल क्यों नहीं? ये सवाल इस लई क्योंकि नौकरी दा वादा सरकार ने कीता, नौकरी ना मिलण ते होए डिप्रेशन दे लई सरकार दे मंत्री नूं जिम्मेवार ठहराया गया। सुसाइड नोट विच भी मंत्री नूं ही मौत लई जिम्मेवार दस्या गया, पर जदों FIR दर्ज होई तां उस विच मुलजम बनाया गया खुदकुशी करन वाली महिला दे पति अते सहुरे नूं। पहला इस सुसाइड नोट विच की लिखा वो तुहानू दस दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुख मंग 1158 धरने ते बैठे सहायक प्रोफेसर ते लाइब्रेरियन नूं सरकारी नौकरी दे के कालजा विच भेजण संबंधी। मैं ये चाहनी हाँ कि मेरे जान पिछों सिलेक्ट हुए सहायक प्रोफेसर ते लाइब्रेरियन नूं कालजा दे विच भेजा जावे। मेरा आत्महत्या करन दा मेन मकसद यही है कि मैनू पंजाब सरकार दे MLA हरजोत बैंस ने मजबूर कर दिता है, क्योंकि मैं 3 दिसंबर 2021 नूं नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया, पर मैनू इस तो बाद भी मुश्किलों का सामना करना पिया। वो ये है कि मैं 2 बार माँ बनन दे किनारे सी, पर मेरी मानसिक दशा ने 2 बार मेरे बच्चों की जान लै ली, तो मैं भी 2 बार जान गवाउण दे किनारे सी। हुण भी मैं डिप्रैशन की शिकार हो गई सी, पर दवाइयां ठीक सी। मेरी आत्महत्या की पूरी जिम्मेवारी मंत्री हरजोत बैंस की है। हरजोत बैंस नूं मैनू मारन दी ते मेरे बच्चों नूं मारन दी सख्त तो सख्त सज़ा दिती जावे, अते पंजाब सरकार प्रोफेसरां नूं कालजां दे विच भेजण। जेकर सरकार ने इंज नहीं कीता तां पंजाब दी जनता मेरे नाल होई बदीकी ते मेरी मौत दा बदला जरूर लवेगी। मेरी फैमिली दा इस विच कोई हिस्सा नहीं, इस लई पुलिस उन्हां नूं परेशान ना करे। पंजाब सरकार अते हरजोत बैंस मुर्दाबाद। ना बलविंदर कौर, सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान। गौर करने वाली गल ये है कि इस चिट्ठी के अंत में मृतका बलविंदर कौर ने अपने 2 तरह के हस्ताक्षर किए ने, जबकि चिट्ठी के सब तो उत्ते खून दियां बूंदा ने, जिन्हां दे नाल लिखिया कि ये चिट्ठी मैं ही लिखी है, मेरी उंगल तुहानू बन्नी हुई मिलेगी, मेरी लाश नू परखो। ये चिट्ठी मृतक बलविंदर कौर की मानसिक स्थिति अते उसकी वजह समझाने लई काफी है। बलविंदर कौर की साथी वालों भी इस दा दावा किया गया कि सरकार वालों उन्होंने लगातार सिर्फ लारे दिते जा रहे ने, जिस करके उन्होंने बहुत सारे साथी डिप्रेशन विच ने। अक्सर साडे नाल धरने चाहुंदे रहिंदे सीगे ते बड़े निमर सुभाअ दे सीगे, बट पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों तो मतलब 2 साल तो लगातार मतलब डिप्रेशन चल रहे थे, इस करके क्योंकि नौकरी नहीं मिली थी। गवर्नमेंट लगातार लारे ला रही, सू कॉलेज भेजा कॉलेज भेजा, बट जो सुसाइड नोट हम बरामद होया उस भी इन्होंने यही डायरैक्टली जो साढ़े पंजाब के माननीय सिक्ख्या मंत्री ने उन्होंने बाय नेम लैके इन्होंने वो नोट लिखे। पता नहीं क्यों किहड़ी चाल चली जा रही है भी उन्होंने जो परिवार है वो पहला भी धरने चाहता सी, सारा परिवार उन्होंने हसबेंड उन्होंने मतलब नाल लेडीज़ भी आदि होंगे सी इस घर तो, बट वो मतलब उन्होंने परेशान करके उन्होंने बकायदा FIR की जा रही है। हालांकि उन्होंने अपने सुसाइड नोट के परिवार को बिल्कुल मतलब बेदोषा ठहराया, उन्होंने कहा भी मेरे परिवार के कोई दोष नहीं, तो असं मांग करते हैं भी उन्होंने जी मतलब मौत हुई है हले डेड बॉडी मिली नहीं, भी डेड बॉडी जल्द तो जल्द मिले या कितने जिथे भी नहीं जिमें भी नहीं उस साल सू मिल तो पूरी जाँच करवाई जाए ता कि सरकारों का जोड़ा वो पता लग सके, तो जोड़े बेदोषियाँ जोड़े बेदोषे बंद दोष लाए जा रहे हैं उन्होंने ही इंसाफ हो, उन्होंने भी इंसाफ हो। बलविंदर कौर जी ने साड़ी यह प्रजोर अपील आई सारे फ्रंट वाले। इस मामले में हैरानी इस FIR वेख के भी होंगी है, क्योंकि पुलिस ने मृतका के पति अते सहुरे खिलाफ मृतका के भरा की शिकायत से केस दर्ज किया है, जिस विच इल्जाम लगाए गए ने कि मृतका का पति उसनू बेटा पैदा करन लई दबा बना रहा सी, जबकि एक कथित सुसाइड नोट कुछ होर ही कहानी बयान कर रहा है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके इस मामले से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बलविंदर कौर की मौत से अफसोस जताते हुए जत्थेबंदी के प्रदर्शन को होर मजबूत करने विच अपना सहयोग देने की पेशकश की है, ता जो बलविंदर कौर को इंसाफ दवाया जा सके। उन्होंने लिखा
कि समुचे पंजाब दे कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की घाट नाल जूझ रहे ने, पर आप सरकार नवी भर्ती करनी तो दूर। पिछली सरकार वालों भर्ती किए 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग भी नहीं करवा रही। इंसाफ लई कई महीनों तो सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस के पिंड धरने ते बैठे इन्हां अध्यापकों दी मंगां नूं मंत्री वालों अणगौलियां करना बेहद शर्मनाक है। मानसिक तौर पर परेशान किए जा रहे इन्हां बेरोजगारां दा सरकार वालों रज के शोषण किया जा रहा है। सरकार की इस बेरुखी तो अके धरनाकारियों विचों एक महिला सहायक प्रोफेसर वालों खुदकुशी कर लेना इस सरकार के झूठे क्रांति के दावों की पोल नूं खोल रहा है। झूठी सरकार नूं शर्म आउणी चाहीदी है कि देश के निर्माता अध्यापकों नूं जिंदगी दी थां मौत का राह चुनने लई मजबूर कर दिता गया। इस संबंधी खुदकुशी लई जिम्मेवार मंत्री हरजोत बैंस उत्ते परचा दर्ज होना चाहिए। वाहिगुरु इस विछड़ी रूह नूं अपने चरणों विच निवास बख्शण अते परिवार नूं पाणा मन्नण दा बल बख्शण। श्रोमणी अकाली दल इन्हां दी जथेबंदी नाल गल करके इन्हां दे संघर्ष नूं होर तेज अते इस बेटी नूं इंसाफ जरूर दुआएगा। सुसाइड नोट विच मंत्री हरजोत बैंस नूं इस खुदकुशी लई दोषी ठहराया गया, जबकि FIR विच तारा 306 यानी खुदकुशी लई उकसाउण अते तारा 34 यानी कि एक जुर्म विच एक तो वध लोक शामिल होण तहत मृतका दे पति अते सहुरे उत्ते मामला दर्ज किया गया। अजे विच कई सवाल ने जिन्हां दे जवाब मिलने हाले बाकी ने। जगजीत सिंह, PTC न्यूज़, रोपड़।